हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंग्लिश क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, तो इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स सीबीएसई टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम में इंक्लूड किए गए हैं, उन चैप्टर्स में से पार्ट वन में हम लोगों ने इन तीन चैप्टर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेड एमसीक्यू को देखा। उसी सीरीज का ये सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग इन तीन चैप्टर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीन चैप्टर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्विज है, तो वीडियो को देखने के बाद उन क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें। तो लेट्स सी। हे गाइज, मायसेल्फ राजन, और गाइज आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे उसे देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। हाँ, तो एन फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, क्यों, क्या रीजन था। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है। ऑप्शन ए है, सी हैड नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, वह इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखी थी। ऑप्शन बी, नाइदर सी नॉर एनी वन इल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर। हाँ, ना ही वह ना ही कोई और है जो कि उसके डायरी को बाद में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे। ऑप्शन सी है, सी डिडंट नो हाउ टू राइट, उसे पता नहीं था कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। हाँ, तो पहला रीजन था, सी हैड नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, वह पहले कुछ नहीं लिखी थी, पहला रीजन। दूसरा, नाइदर सी नॉर एनी वन इल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर। हाँ, तो ना ही वह और ना ही कोई और है जो कि उसके डेयरी को पढ़ने के लिए बाद में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये दोनों रीजन थे जिसके कारण उसे डेयरी लिखना है, सो एक तरह से स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डेयरी। हाँ, तो बेसिकली जो एन फ्रैंक थी वो अपने डेयरी को पढ़ने के लिए किसे अलाउ करेगी। ऑप्शन ए, हर पेरेंट्स। ऑप्शन बी, हर सिस्टर। ऑप्शन सी, रियल फ्रेंड्स। ऑप्शन डी, नो वन, किसी को भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ, ए रियल फ्रेंड। हाँ, तो एक रियल फ्रेंड को ऐसो वैसो अपनी डेयरी को पढ़ने के लिए अलाउ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन वॉज एन एज बोर्न। हाँ, बेसिकली एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए, 12 जून 1929। ऑप्शन बी, 12 जून 1930। ऑप्शन सी, 12 जून 1931। ऑप्शन डी, 12 जून 1932। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 जून 1929 को ऐसो बेसिकली एन फ्रैंक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन फ्रैंक इज डॉट 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 ओल्ड। हाँ, तो बेसिकली एन फ्रैंक कितने वर्ष की है। ऑप्शन ए, 10 ईयर्स। ऑप्शन बी, 11 ईयर्स। ऑप्शन सी, 13 ईयर्स। ऑप्शन डी, 12 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। हाँ, तो बेसिकली जो एन फ्रैंक है, हाँ, उसका लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन है। ऑप्शन ए, हर केट। ऑप्शन बी, हर डायरी। ऑप्शन सी, हर पेन। ऑप्शन डी, हर डॉग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हर डेयरी। बेसिकली जो एन फ्रैंक है उसका लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन है, उसका डेयरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सी नेम हर डेयरी। तो बेसिकली जो एन फ्रैंक थी वह अपने डेयरी का क्या नाम रखी। ऑप्शन ए, एन। ऑप्शन बी, केटी। ऑप्शन सी, कीटी। ऑप्शन डी, कीटेन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटी। बेसिकली जो एन फ्रैंक थी वह अपने डेयरी का नाम कीटी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सी वॉन्ट टू बिगिन हर डेयरी। हाँ, तो बेसिकली जो एन फ्रैंक है वो अपने डेयरी को किस तरह से प्रारंभ करना चाहती है। यहाँ पे ऑप्शन ए है, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन देकर। ऑप्शन बी है, बाय राइटिंग हर नेम, अपने नाम को लिखकर। ऑप्शन सी है, बाय राइटिंग अबाउट हर हॉबी, अपने हॉबी के बारे में लिखकर। ऑप्शन डी है, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। हाँ, इंट्रोडक्शन देकर है सो वह अपना डेयरी को स्टार्ट करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन ए वांट टू कीप अ डेयरी। हाँ, तो बेसिकली जो एन फ्रैंक है वो डेयरी क्यों रखना चाहती है। ऑप्शन ए है, सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर। हाँ, वह चाहती है कि लोग बाद में उसके बारे में पढ़े। ऑप्शन बी, सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसके पास क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे इसलिए। ऑप्शन सी, सी लव्स टू राइट, उसे लिखना पसंद है इसलिए। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिकली उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे इसलिए वह सो डेयरी लिखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई डज सी गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। हाँ, तो बेसिकली जो एन फ्रेंक थी, हाँ, वह ऐसो अपने डायरी में ऐसो अपने फैमिली के बारे में ब्रीफली मेंशन करती है, क्यों, इसका क्या रीजन है। ऑप्शन ए है, नो वन वुड अंडरस्टैंड इट इफ़ सी डोव राइटिंग। हाँ, तो यदि वह ऐसो सीधे डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन बी, टू इंट्रोड्यूस कीटी टू हर फैमिली। ऑप्शन सी, सी वुड फॉरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली। ऑप्शन डी, सी लैग्ड टॉकिंग अबाउट हर फैमिली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नो वन वुड अंडरस्टैंड, किसी को समझ में नहीं आएगा यदि सी डॉप राइटिंग, यदि वह सो सीधे डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है तो किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वह सो सबसे पहले डायरी में सो अपने फैमिली के बारे में ब्रीफली मेंशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज सी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। हाँ, तो बेसिकली जो एन फ्रेंक थी, हाँ, वह उस दौरान उसके पास जितने भी फ्रेंड्स थे उसके साथ वो क्लोज नहीं हो पाती थी, इसका क्या रीजन था। ऑप्शन ए, सी डिडंट लाइक हर फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स को पसंद नहीं करती थी। ऑप्शन बी, हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन सी, सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, वह अपने पर्सनल फीलिंग को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, बेसिकली जो एन फ्रेंक थी वो अपने पर्सनल फीलिंग को सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, जिसके कारण वह सो अपने फ्रेंड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स थे उसके साथ कभी क्लोज नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर। हाँ, तो बेसिकली जो एन फ्रेंक थी वह सो अपने फादर को किस तरह से एक्सप्लेन करती है। ऑप्शन ए, मोस्ट एडोरेबल फादर। ऑप्शन बी, मोस्ट डेलिकेट फादर। ऑप्शन सी, मोस्ट एंग्री फादर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मोस्ट एडोरेबल फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। हाँ, तो बेसिकली जो एन फ्रेंक थी उसे किस सब्जेक्ट में डॉट लग रहा था, हाँ, कि वह पास होगी या फेल। ऑप्शन ए, मैथ्स। ऑप्शन बी, साइंस। ऑप्शन सी, इंग्लिश। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, बेसिकली वो मैथ्स सब्जेक्ट में श्योर नहीं थी कि वह पास होगी या फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग कौन थे। ऑप्शन ए, एंस में एंस फादर। ऑप्शन बी, एंस अंकल। ऑप्शन सी, एंस मैथ्स टीचर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एंस मैथ्स टीचर। हाँ, तो बेसिकली मिस्टर किसिंग एंस के मैथ्स टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद हर। हाँ, तो बेसिकली जो मिस्टर किसिंग थे वो एन के साथ हमेशा परेशान रहते थे, क्यों। ऑप्शन ए, सी वॉज रूड, हाँ, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। ऑप्शन बी, सी वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, वह अच्छे स्टूडेंट नहीं थी। ऑप्शन सी, सी वॉज टॉकेटिव, वह काफ़ी ज़्यादा बात होनी थी, काफ़ी ज़्यादा बात करती थी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ, सी वॉज टॉकेटिव, बेसिकली वह काफ़ी ज़्यादा बात करती थी जिसके कारण मिस्टर किसिंग काफ़ी ज़्यादा उससे परेशान रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट। हाँ, तो बेसिकली किस सब्जेक्ट पे है सो उसे लिखना पड़ा। ऑप्शन ए, नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग। ऑप्शन बी, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। ऑप्शन सी, नेसेसिटी ऑफ रनिंग। ऑप्शन डी, नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग पे उसे लिखना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन। हाँ, तो बेसिकली एन के द्वारा किस किस टॉपिक पे एसे लिखा गया। ऑप्शन ए, ए चैटर बॉक्स। ऑप्शन बी, एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। ऑप्शन सी, क्वेक 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 सेड मिस्टेस चैटर बॉक्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली इन सभी टॉपिक्स पे ऐसे उसे ऐसे लिखने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लैंग्वेज वाज द डेरी ओरिजिनली रिटन इन। हाँ, तो बेसिकली जो डेरी था उसे ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था। ऑप्शन ए, स्पेनिश। ऑप्शन बी, डच। ऑप्शन सी, इंग्लिश। ऑप्शन डी, फ्रेंच। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, डच। बेसिकली जो डेरी था उसे ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सो एन इज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। हाँ, तो बेसिकली क्या है सो दिखाता है कि एन ए सो अपने ग्रैंड मदर से ऐसो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। ऑप्शन ए है, सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर। ऑप्शन बी है, सी मिसेस हर।
ऑप्शन सी है सी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ बोथ ए एंड बी। बेसिकली सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वह जो एन फ्रेंक है वह अभी भी है सो अपने दादी माँ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती है। और ऑप्शन बी है सी मिसेस हर, हाँ वह अभी भी है सो अपनी दादी माँ को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है। तो ये दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं पता चलता है कि वह अपनी दादी माँ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज एन थिंक सी वॉज लॉन्ली, हाँ तो बेसिकली जो एन फ्रेंक थी वह उसे क्यों लगता था कि वह अकेली है। ऑप्शन ए सी हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। ऑप्शन बी है सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, उसके पास कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे, मीन्स क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। ऑप्शन सी सी वॉज ऑल एलोन, हाँ वह अकेला रहती थी। ऑप्शन डी हो जाएगा सी वॉज एन इंट्रोवर्ट, हाँ वह इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट मीन्स होता है जो अपने बातों को अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करती हो। हाँ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, हाँ उसके पास कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे, कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए उसे कहीं ना कहीं अकेला का फीलिंग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास, हाँ तो बेसिकली क्लास में बच्चे जो थे वो किस बारे में बेट लगा रहे थे। ऑप्शन ए हु इज मोर टाकेटिव, कौन सबसे ज़्यादा बातूनी है। ऑप्शन बी हु वुड पास द क्लास, मीन्स कौन पास करेगा कौन फेल करेगा इस बारे में। ऑप्शन सी फुटबॉल मैचेस के बारे में। ऑप्शन डी बेसबॉल मैचेस के बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ बेसिकली बच्चे कौन पास करेगा कौन फेल करेगा इस बारे में सो शर्त लगा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, हाँ तो बेसिकली जो एन फ्रेंक थी वो अपने लास्ट एसे में क्या लिखी। ऑप्शन ए पोएम, ऑप्शन बी ए जोक, ऑप्शन सी ए फनी पोएम, ऑप्शन डी ए पैराग्राफ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ ए फनी पोएम, हाँ तो बेसिकली वो एक फ़नी पोएम लिखती है, हाँ और इसके बाद ही ऐसे उसे क्लास में अलाउ भी मिल जाता है बात करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डेयरी गिवन टू एन, हाँ तो बेसिकली एन को है सो जो डेयरी है वो कब दिया गया था। ऑप्शन ए 11th बर्थडे, ऑप्शन बी 12th बर्थडे, ऑप्शन सी 13th बर्थडे, ऑप्शन डी 14th बर्थडे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 13th बर्थडे पर है सो उसे फादर के द्वारा है सो डेयरी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, हाँ तो बेसिकली उसका जो बुक पब्लिश्ड हुआ, हाँ तो किस नाम से पब्लिश्ड हुआ था। ऑप्शन ए फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंक, ऑप्शन बी द डायरी ऑफ ए अंगर्ल, ऑप्शन सी एन फ्रेंक, ऑप्शन डी एन फ्रेंक्स डायरी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ जो उसका बुक था वो पब्लिश्ड हुआ था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव, हाँ तो बेसिकली एन फ्रेंक जो थी वो कितने भाई बहन थे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1, हाँ बेसिकली एन फ्रेंक की 1 सिस्टर थी जिसका नाम था मार्गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एन फ्रेंक्स फुल नेम, हाँ तो बेसिकली एन फ्रेंक का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए एनलीज मैरी फ्रेंक, ऑप्शन बी एना मैरियम फ्रेंक, ऑप्शन सी एनलीज मार्टिना फ्रेंक, ऑप्शन डी एन ए मार्क फ्रेंक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एनलीज मैरी फ्रेंक, जो कि एन फ्रेंक का फुल नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली, हाँ तो बेसिकली एन्स के फैमिली से एकमात्र सर्वाइवर बचा था वो कौन थे। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी एन्स फादर, ऑप्शन सी एन्स मदर, ऑप्शन डी एन्स सिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ एन्स के फादर थे जो कि ओनली सर्वाइवर थे उसके फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रेंक्स सिस्टर, हाँ तो बेसिकली एन फ्रेंक की जो सिस्टर थी उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए मार्गरेट, ऑप्शन बी मार्गोट, ऑप्शन सी मैरी, ऑप्शन डी मार्टिना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ मार्गोट, बेसिकली एन फ्रेंक की जो सिस्टर थी उसका नाम था मार्गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद
देयर ग्रैंड मदर। हाँ तो बेसिकली कौन से शहर में ऐसो एंड फ्रेंक और मार्गोट को ऐसो उसके ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी मुनिक, ऑप्शन सी एकेन, ऑप्शन डी बोन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एकेन। हाँ बेसिकली एन और मार्गोट को एकेन शहर है वो भेज दिया गया उसके ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज एनिस फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। हाँ तो बेसिकली एन फ्रैंक के जो पिताजी थे वो कितने साल के थे जब उन्होंने उसकी माँ से शादी किए थे। ऑप्शन ए 34 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 36 ईयर्स, ऑप्शन डी 32 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ 36 ईयर्स ओल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डेट डिड एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डायरी। हाँ तो बेसिकली मिस्टर किसिंग के क्लास में जो इंसिडेंट हुआ था उसे एन किस डेट को रिकॉर्ड की अपने डायरी में। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए है 12 जून 1942, ऑप्शन बी है 22 जून 1942, ऑप्शन सी है 20 जून 1942, ऑप्शन डी है 21 जून 1952। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ 20 जून 1942 को। हाँ तो बेसिकली जो एन फ्रैंक थी, हाँ उन्होंने 20 जून 1942 को ऐसो उस इंसिडेंट को ऐसो अपने डायरी में मेंशन की। तो गाइस इस प्रकार से हम लोगों ने फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बने उसे देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय। हे गाइज मायसेल्फ राजन, और गाइज आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उसे देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस। द 100 ड्रेसेस के ऑथर कौन है, यहां पे चार ऑप्शन गिवेन है। ऑप्शन ए है लियामो फ्लाहर्टी, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक फोरसेथ, ऑप्शन सी है रॉयल डहल, ऑप्शन डी है इल बशोर इस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इल बशोर इस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स। तो इस स्टोरी में दो बेस्ट फ्रेंड कौन थे, ऑप्शन ए पेगी एंड मेडी, ऑप्शन बी वांडा एंड पेगी, ऑप्शन सी मेडी एंड वांडा, ऑप्शन डी विली एंड वांडा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पेगी एंड मेडी, जो कि इस स्टोरी में बेस्ट फ्रेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एज मेंशनड इन द चैप्टर द 100 ड्रेसेस वांडा वाज डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए है एन अमेरिकन गर्ल, ऑप्शन बी है ए पॉलिश गर्ल, ऑप्शन सी है ए क्रोयल गर्ल, ऑप्शन डी है ए प्रेटी गर्ल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ए पॉलिश गर्ल। तो जो वांडा थी वो एक पॉलिश गर्ल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज वांडा बाय नेचर। तो नेचर वाइज वांडा कैसी लड़की थी, ऑप्शन ए शाय क्वाइट एंड काम, ऑप्शन बी क्रुएल, ऑप्शन सी डिसऑनेस्ट, ऑप्शन डी नॉइजी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए साई मीन्स होता है जो ज़्यादा नहीं बोलता है उसे साई बोला जाता है। तो जो वांडा थी वो एक साई क्वाइट एंड काम गर्ल थी, मीन्स वो ज़्यादा नहीं बोला करती थी और जनरली वो शांत रहा करती थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज वांडास फुल नेम। तो वांडा का पूरा नाम क्या था, ऑप्शन ए वांडा पोलेंस्की, ऑप्शन बी वांडा पेट्रोंस्की, ऑप्शन सी वांडा पैट्रिक, ऑप्शन डी वांडा पॉलिश। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वांडा पेट्रोंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हु लिव्ड इन बॉगिंस हाइट। तो बॉगिंस हाइट में कौन रहा करती थी, ऑप्शन ए मेडी, ऑप्शन बी पेगी, ऑप्शन सी वांडा, ऑप्शन डी विली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वांडा, जो कि बॉगिंस हाइट में रहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सीट। तो क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती है, ऑप्शन ए है इंड कॉर्नर, ऑप्शन बी है मिडिल, ऑप्शन सी है
फ्रंट, ऑप्शन डी है रोटेशनल, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इंड कॉर्नर। मिस क्लासरूम के कॉर्नर मिस कोने में बैठा करती थी और लास्ट रो में बैठा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड वांडा यूज्ड टू सीट देयर, तो वांडा लास्ट रो में और कोने में क्यों बैठा करती थी, क्या रीजन था। ऑप्शन ए सी डिडंट स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ऑप्शन बी हर फीट वर फील्ड विद डर्ट एंड मड, ऑप्शन सी हर फ्रेंड्स सेट देयर, ऑप्शन डी नो वन रियली नोज। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, किसी को कारण नहीं पता था कि वांडा लास्ट रो में ही क्यों बैठा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन, तो वे सभी किस क्लासरूम में बैठा करते थे। ऑप्शन ए रूम 15, ऑप्शन बी रूम 13, ऑप्शन सी रूम 12, ऑप्शन डी रूम 11, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रूम 13। हाँ, तो रूम 13 में वे सभी बैठा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, तो स्कूल में मोस्ट पॉपुलर गर्ल कौन थी। ऑप्शन ए वांडा, ऑप्शन बी मेडी, ऑप्शन सी पेगी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पेगी, पेगी जो कि मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड दे वेट फॉर वांडा, तो यहाँ पे दे आया है पेगी और मेडी के लिए, तो पेगी और मेडी जनरली वांडा का वेट क्यों किया करते थे। ऑप्शन ए दे वर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी टू मेक फन ऑफ हर, ऑप्शन सी दे केयर्ड अबाउट हर, ऑप्शन डी दे मिस्ड हर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ टू मेक फन ऑफ हर। हाँ, तो बेसिकली वांडा का मजाक उड़ाने के लिए पेगी और मेडी दोनों वांडा का वेट किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब वांडाज ड्रेस, हाँ तो आप वांडा के ड्रेस को कैसे डिस्क्राइब करोगे, मिस वांडा किस प्रकार का ड्रेस पहना करती थी। ऑप्शन ए फेडेड ब्लू, ऑप्शन बी नॉट आयरन्ड प्रॉपरली, ऑप्शन सी क्लीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, मिस जो वांडा का ड्रेस हुआ करता था वो फेडेड ब्लू हुआ करता था, प्रॉपरली आयरन्ड नहीं किया हुआ रहता था और उसका ड्रेस हमेशा साफ रहता था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेल्स यू दैट पेगी वाजंट क्रूयल, हाँ तो पेगी के कौन से ऐसे नेचर थे जिसे पता चलता था कि पेगी एक्चुअल में क्रूयल नहीं थी। ऑप्शन ए प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलीज, वो जनरली छोटे बच्चों को बुलीज से बचाया करती थी, कुडंट स्टैंड एनिमल्स गेटिंग मिसट्रीटेड, और यदि कोई एनिमल के साथ मिसट्रीट करता था तो ये उसे पसंद नहीं था। ऑप्शन सी डिड नॉट मेक वांडा क्राई, हाँ तो वो आज तक वांडा को कभी रुलाई नहीं थी, हाँ भले ही उसका मजाक उड़ाया करती थी लेकिन आज तक उसे रुलाई नहीं थी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, मीन्स ये सारे क्वालिटीज पेगी के पास था, हाँ जिससे ये पता चलता है कि पेगी जो कि एक्चुअल में क्रूयल गर्ल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वांडा वाज बीइंग ट्रीटेड, तो वांडा के साथ जैसा बर्ताव किया जाता था, हाँ उसे देखकर किसे अच्छा नहीं लगता था, हाँ कौन सेक्रेटली डिसलाइक किया करती थी। ऑप्शन ए है पेगी, ऑप्शन बी है सेसिल, ऑप्शन सी है मेडी, ऑप्शन डी है जेक बेगल्स, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेडी, हाँ मेडी जिसे पसंद नहीं था, हाँ जैसा कि वांडा के साथ बर्ताव किया जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was Peggy's game? हाँ bothering Maddy. तो जो Peggy का गेम था, हाँ उससे Maddy को क्यों प्रॉब्लम होता था, तो यहाँ पे Peggy का गेम क्या था, Peggy का गेम था वांडा का मजाक उड़ाना, तो उससे है सो जब भी Peggy है सो वांडा का मजाक उड़ाया करती थी तो उससे सो Maddy को प्रॉब्लम होता था, तो क्या रीजन था। ऑप्शन ए सी केयर्ड अबाउट वांडा, ऑप्शन बी Peggy was hers on Wanda, ऑप्शन सी सी feared she would be next to get teased, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ चूंकि जो मेडी थी वो वांडा के जैसा ही एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, हाँ और उसे कहीं ना कहीं भय लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम से
पेगी उसी का मजाक न उड़ाने लगे, इसलिए वह सो चिंता किया करती थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शूज डिड वांडा से सी हैड। हाँ, तो जब वांडा से शूज के बारे में पूछा जाता था तो वांडा कितने शूज के बारे में बताया करती थी कि उसके पास है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 60। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ 60 शूज के बारे में बताया करती थी कि उसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मेडी ग्लाइड इवन वेन सी वॉज लेट फॉर स्कूल। हाँ, तो एक दिन वह स्कूल के लिए लेट थी लेकिन तब पर भी मेडी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, ऐसा क्यों, क्या रीज़न था। ऑप्शन ए सी डिडंट वॉन्ट टू अटेन द क्लास, ऑप्शन बी दे कुड नॉट मेक फन ऑफ वांडा, ऑप्शन सी सी लाइक्ड गोइंग लेट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दे कुड नॉट मेक फन ऑफ वांडा, उस दिन वे दोनों, हाँ पेगी और मेडी, वांडा का मजाक नहीं उड़ा पाए इसलिए मेडी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हाँ, यद्यपि वे लोग लेट थे तब पर भी मेडी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, हाँ क्योंकि उस दिन वे लोग वांडा का मजाक नहीं उड़ा पाए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंटेस्ट फॉर बॉयज, बॉयज के लिए क्या कंटेस्ट करवाया गया। ऑप्शन ए मोटर बाइक्स, ऑप्शन बी मोटर बोट्स, ऑप्शन सी ड्रेस डिजाइंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ मोटर बोट्स, हाँ का कंटेस्ट करवाया गया था किसके लिए, बॉयज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंटेस्ट फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए क्या कंटेस्ट करवाया गया था। ऑप्शन ए मोटर बोट्स डिजाइंस, ऑप्शन बी ड्रेस डिजाइंस, ऑप्शन सी मोटर बाइक्स डिजाइंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ ड्रेस डिजाइंस का कंटेस्ट करवाया गया था गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दे यूज्ड टू वेट फॉर वांडा। हाँ, तो दे यहाँ पे पेगी और मेडी के लिए आया है, तो पेगी और मेडी जनरली कहाँ पे वेट किया करते थे वांडा का, हाँ उसका मजाक उड़ाने के लिए। ऑप्शन ए है बेकर्स स्ट्रीट, ऑप्शन बी है बॉगिंस हाइट्स, ऑप्शन सी है बॉगिंस स्ट्रीट, ऑप्शन डी है ओलिवर स्ट्रीट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ ओलिवर स्ट्रीट में वे दोनों वेट किया करते थे वांडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेडी, मेडी के अनुसार हु वुड विन द कंटेस्ट इन दिस स्टोरी। हाँ, तो कौन कंटेस्ट को जीतने वाली थी इस स्टोरी में। हाँ, तो ऑप्शन ए है वांडा, ऑप्शन बी है मेडी, ऑप्शन सी है पेगी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ पेगी। तो मेडी को ऐसा लग रहा था कि ये जो कंटेस्ट हुआ है वो पेगी ही जीतने वाली है, हाँ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओन द ड्राइंग कंटेस्ट फॉर गर्ल्स, लेकिन एक्चुअल में जो ड्राइंग कंटेस्ट हुआ था उसे कौन जीती गर्ल्स की ओर से। ऑप्शन ए पेगी, ऑप्शन बी वांडा, ऑप्शन सी मेडी, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ वांडा पेट्रोन्स की, जो कि गर्ल्स की तरफ से ड्राइंग कंटेस्ट को जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ। हाँ, तो जो वांडा थी वो कितना ड्राइंग्स बनाई थी। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 150। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ 100 ड्राइंग्स बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रूम कवर्ड विद। हाँ, तो जो रूम था वो किस चीज़ से पूरा कवर्ड था। हाँ, ऑप्शन ए है ड्राइंग्स ऑफ गर्ल्स, ऑप्शन बी है ड्राइंग्स ऑफ बॉयज, ऑप्शन सी है 100 ड्राइंग्स ऑफ वांडा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 ड्राइंग्स ऑफ वांडा, वांडा के द्वारा जो 100 ड्राइंग्स बनाए गए उसी से पूरा रूम कवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मेडीज फुल नेम, तो मेडी का पूरा नाम क्या था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ मेडलिन। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखना गाइस डी का केवल डिफरेंस है, यहाँ पे डबल डी है, यहाँ पे सिंगल डी है, तो मेडलिन, हाँ सिंगल डी के साथ, हाँ मेडलिन जो कि मेडी का पूरा नाम था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओन द
ड्राइंग कंटेस्ट फॉर बॉयज एट स्कूल, स्कूल में जो ड्राइंग कंटेस्ट हुआ था, हाँ, तो बॉयज की तरफ से विजेता कौन रहा था? ऑप्शन ए जैक, ऑप्शन बी मेडी, ऑप्शन सी वांडा, ऑप्शन डी माइकल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, जैक बेगल्स, हाँ, जो कि विजेता था किसकी ओर से? बॉयज की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांडा से वर लाइंड अप इन हर क्लोजेट? तो जब भी वांडा से उसके ड्रेस के बारे में पूछा जाता था, हाँ, तो वो कितने नंबर ऑफ ड्रेस बताया करती थी कि उसके क्लोजेट में लाइंड अप हैं? तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 60। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, 100 ड्रेसेस बताया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मेडी नोट राइट टू पेगी इन द फर्स्ट प्लेस? हाँ, तो मेडी जो पेगी को लिख कर बताना चाह रही थी कि उसे वांडा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, और जब मेडी लिखना स्टार्ट करती है तो वो लिख नहीं पाती है, हाँ, तो इसका क्या रीज़न था कि वो लिख नहीं पाई? ऑप्शन ए सी वाज अफ्रेड सी वुड बी नेक्स्ट टू गेट टीज्ड, ऑप्शन बी सी थॉट पेगी वाज राइट इन टीजिंग वांडा, ऑप्शन सी सी डिड नॉट रियली केयर, ऑप्शन डी सी रियलाइज्ड वांडा डिजर्व्ड इट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ, सी वाज अफ्रेड, हाँ, वो भयभीत थी, क्योंकि जो मेडी थी वो भी वांडा के जैसा ही एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, हाँ, तो उसे कहीं ना कहीं भय लग रहा था, डर लग रहा था, हाँ, कि नेक्स्ट टाइम से पेगी उसी का ना मजाक उड़ाने लगे, हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजन डिड मेडी गिव हरसेल्फ टू जस्टिफाई टीजिंग वांडा? तो मेडी खुद को क्या रीजन बताई टू जस्टिफाई टीजिंग वांडा, वांडा के साथ जैसा बर्ताव हो रहा था तो उसे जस्टिफाई करने के लिए मेडी खुद को क्या रीजन दी? ऑप्शन ए वांडा यूज टू लाई अबाउट हर ड्रेसेज, ऑप्शन बी वांडा डिजर्व्ड इट, ऑप्शन सी पेगी वाज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल एंड कुडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ, पेगी वाज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल। तो मेडी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो पेगी है वो क्या है, वो एक अच्छी लड़की है और वो जो भी कर रही है, हाँ, वो गलत नहीं कर सकती, हाँ, कुडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती, इसलिए मेडी को लग रहा था कि जो पेगी कर रही है वांडा के साथ वो क्या है, वो सही ही है, हाँ, गलत नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ। तो गाइज इस प्रकार से हम लोगों ने द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बने उसे देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय। हे गाइज, माइसेल्फ राजन, और गाइज आज इस लेक्चर में हम NCERT इंग्लिश क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बनेंगे उसे देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द फर्स्ट लेटर रिसीव्ड बाय मिस मेसन? तो मिस मेसन के द्वारा जो फर्स्ट लेटर रिसीव किया गया था उसे किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए वांडा, ऑप्शन बी वांडाज मदर, ऑप्शन सी वांडाज फादर, ऑप्शन डी वांडाज ब्रदर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वांडाज फादर, वांडा के पिताजी के द्वारा लेटर को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज वांडाज फादर्स नेम? तो वांडा के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए सेम पेट्रॉन्स की, ऑप्शन बी जेन पेटोंस की, ऑप्शन सी पेन पेटोंस की, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जेन पेटोंस की, जो कि वांडा के पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड मिस्टर पेटोंस की लेटर टू द क्लास? हाँ, तो मिस्टर पेटोंस की के द्वारा जो लेटर भेजा गया, हाँ, उसे क्लास के सामने किसके द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन ए द हेड मिस्ट्रेस, ऑप्शन बी मेडी, ऑप्शन सी पेगी, ऑप्शन डी मिस मेसन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मिस मेसन के द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द लेटर कन्वे? हाँ, तो लेटर में क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे किया गया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया था? ऑप्शन ए वांडा वाजंट वेल, ऑप्शन बी वांडा वॉन्ट बी अटेंडिंग स्कूल, ऑप्शन सी दे हैव मूव्ड टू द बिग सिटी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, मिस वांडा अब स्कूल नहीं आएगी और वे अब मूव कर चुके हैं बड़े शहर की ओर।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स वाज मेंशनड इन द लेटर। हाँ तो लेटर में एक और बात मेंशन किया गया था, वो क्या था? ऑप्शन ए हर ड्राइंग्स, उसके ड्राइंग्स ड्राइंग्स के बारे में। ऑप्शन बी हर मेडल, उसके मेडल के बारे में। ऑप्शन सी द स्कूल, स्कूल के बारे में। ऑप्शन डी हर फनी नेम, उसके फनी नेम के बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हर फनी नेम के बारे में भी मेंशन किया गया था लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस मेसन, मिस मेसन कौन थी? ऑप्शन ए मैथ्स टीचर, ऑप्शन बी इंग्लिश टीचर, ऑप्शन सी क्लास टीचर, ऑप्शन डी प्रिंसिपल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्लास टीचर। तो मिस मेसन जो थी वो क्लास टीचर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस मेसन फील अबाउट व्हाट एवर हैपेंड विद वांडा। तो वांडा के साथ जो इंसिडेंट हुआ, वांडा के साथ जैसा बर्ताव किया गया, हाँ तो उसे जानने के बाद मिस मेसन को कैसा फील हुआ? ऑप्शन ए अनफॉर्चुनेट, ऑप्शन बी सेड, ऑप्शन सी क्रूएल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। मिस वो अनफॉर्चुनेट एंड सेड फील कर रही थी जब उसे पता चला कि वांडा के साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मेसन्स फीलिंग टुवर्ड्स द क्लास। हाँ तो जब मिस मेसन लेटर को पढ़ी तो उसके बाद क्लास के प्रति मिस मेसन का फीलिंग कैसा था? ऑप्शन ए एंग्री, ऑप्शन बी अपसेट, ऑप्शन सी हैप्पी, ऑप्शन डी चेयरफुल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जस्ट एज बेड एज व्हाट पेगी हैड डन। हाँ तो जैसा कि पेगी जितना बुरा काम की हाँ वांडा के प्रति, उतना ही बुरा मेडी के द्वारा भी किया गया। तो वो काम क्या था जो मेडी के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए है मेडी स्टेइंग साइलेंट वाइल पेगी टीज्ड वांडा, ऑप्शन बी है मेडी नॉट स्टॉपिंग पेगी, ऑप्शन सी है मेडी टीजिंग वांडा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ मेडी स्टेइंग साइलेंट, हाँ मेडी जो है वो शांति पूर्वक खड़ा रहती थी जब पेगी वांडा का मजाक उड़ाया करती थी। तो ए उतना ही बुरा था जितना कि पेगी वांडा का वांडा के साथ बर्ताव किया करती थी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मेडी थिंक ऑफ हरसेल्फ आफ्टर द लेटर वाज रेड आउट लाउड। तो जब लेटर को पढ़ा गया उसके बाद मेडी खुद के बारे में क्या सोची? ऑप्शन ए ग्रेटफुल, ऑप्शन बी लकी, ऑप्शन सी हीरो, ऑप्शन डी कवार्ड। तो कवार्ड मिस होता है कायर, डरपोक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ कवार्ड, हाँ वो खुद को कायर समझी, डरपोक समझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विजिटेड बॉगिंस हाइट्स दैट इवनिंग। तो जब लेटर को पढ़ा गया और जब स्कूल छुट्टी हो गई, हाँ तो उसके बाद बॉगिंस हाइट को किसने विजिट किया, बॉगिंस हाइट कौन कौन गई? ऑप्शन ए पेगी, ऑप्शन बी मेडी, ऑप्शन सी मिस मेसन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। मीन्स जब स्कूल छुट्टी हुआ उसके बाद पेगी और मेडी बॉगिंस हाइट गए, इसलिए वांडा से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा था जो उन्होंने किया था। इसलिए वांडा से मिलने के लिए, उससे माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने उसको क्या, वे बेसिकली बॉगिंस हाइट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मेडी रिमाइंडेड ऑफ बाय द पेट्रोंस्कीज हाउस। हाँ तो मेडी जब पेट्रोंस्की के घर को देखी तो उसे क्या याद आती है? ऑप्शन ए हाउ दे टीच्ड हर, ऑप्शन बी हाउ सी कुड स्टॉप ऑल ऑफ इट, ऑप्शन सी वांडाज ड्राइंग्स, ऑप्शन डी वांडाज ड्रेस अन आयरन बट क्लीन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँ मेडी जब वांडा पेट्रोंस्की के घर को देखी तो उसे वांडा का ड्रेस याद आ जाती है, जो कि हमेशा अनआयरन्ड रहता था लेकिन क्लीन रहता था। ठीक उसी प्रकार वांडा पेट्रोंस्की का घर भी था, टूटा फूटा था लेकिन साफ सुथरा था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज मेडी टेक। तो क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन मेडी लेती है? ऑप्शन ए
अनफ्रेंडिंग पेगी, ऑप्शन बी विजिटिंग वांडा, ऑप्शन सी स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग। अब ऐसो क्या करेगी मेडी, यदि कोई किसी को बुलिंग करेगा तो मेडी जो है वो एक्शन लेगी और उसे ऐसो रोकेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड दे कॉन्टैक्ट वांडा, हाँ तो पेगी और मेडी वांडा से कैसे कॉन्टैक्ट किए, ऑप्शन ए लेटर, ऑप्शन बी फोन कॉल, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी दे विजिटेड हर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ लेटर के माध्यम से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया वांडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर, तो वे लेटर में क्या लिखे थे, ऑप्शन ए है टू टेल हर दैट हर ड्राइंग्स वर वेरी प्रेटी, उन्होंने बताया कि उसका जो ड्राइंग्स था वो काफ़ी ज़्यादा प्रेटी था, ऑप्शन बी है टू टेल हर दैट सी हैड ओन द ड्राइंग कंटेस्ट, उन्होंने बताया कि वह ड्राइंग कंटेस्ट को जीत ली, ऑप्शन सी है आस्क्ड अबाउट न्यू सिटी, उन्होंने नए शहर के बारे में भी पूछा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did they think Wanda wouldn't reply? तो पेगी और मेडी को ऐसा क्यों लग रहा था कि वांडा रिप्लाई नहीं करेगी, ऑप्शन ए सी डिडंट नो हाउ टू रीड, ऑप्शन बी सी डिडंट नो हाउ टू राइट, ऑप्शन सी सी मस्ट हैव बीन सेड एंड एंग्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सी मस्ट हैव बीन सेड एंड एंग्री। हाँ तो पेगी और मेडी को लग रहा था कि वांडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज होगी उनके ऊपर, इसलिए उन्हें लग रहा था कि वो रिप्लाई नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मोर एंग्सियस फॉर ए रिप्लाई, तो रिप्लाई के लिए ज़्यादा चिंतित कौन थी, ऑप्शन ए मेडी, ऑप्शन बी पेगी, ऑप्शन सी मिस मेसन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मेडी, मेडी जो कि काफ़ी ज़्यादा एंग्सियस थी रिप्लाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did मेडी notice in the drawings? हाँ तो जो drawings उनको दिया गया था, हाँ तो मेडी ने उस drawings में क्या नोटिस की, ऑप्शन ए Wanda drew their faces, ऑप्शन बी they were beautiful, ऑप्शन सी Wanda wrote notes for them, ऑप्शन डी all of them। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए Wanda drew their faces। हाँ तो जब मेडी ध्यान से drawings को देखती है तो वो पाती है कि उनका जो फेस है हाँ वो drawings में ड्रॉ किया गया है। हाँ तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वांडा ड्रॉ देयर फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोन ऑफ वांडाज रिप्लाई, तो वांडा के रिप्लाई का टोन क्या था, हाँ ऑप्शन ए फ्रेंडली, ऑप्शन बी एंग्री, ऑप्शन सी अनग्रेटफुल, ऑप्शन डी हेट्रेड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ फ्रेंडली मैनर में ऐसो वांडा ने रिप्लाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by picking on someone? तो picking on someone का क्या मतलब होता है? Option A, unfairly criticizing them. Option B, taking something from them. Option C, taking them somewhere. Option D, none of the above. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, मीन्स बिना मतलब का किसी को क्रिटिसाइज करना, हाँ दैट इज द मीनिंग ऑफ पीकिंग ऑन समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was मेडीज reaction on receiving the drawing? तो मेडी जब drawing को receive की तो उस पर मेडी का reaction क्या था, ऑप्शन ए sad, ऑप्शन बी happy, ऑप्शन सी excited, ऑप्शन डी neutral। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए sad, हाँ मेडी का जो reaction था वो sad था, वो काफ़ी ज़्यादा sad थी, हाँ वांडा के साथ जो incident हुआ, जो उसके साथ बर्ताव किया गया उसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा sad थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Peggy infer from the drawing? तो drawing से Peggy ने क्या अनुमान लगाई, ऑप्शन ए Wanda was a good artist, ऑप्शन बी Wanda liked them, ऑप्शन सी Wanda hated them, ऑप्शन डी both A and C। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी Wanda liked them, मीन्स Wanda उनको पसंद किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डिड वांडास हाउस एट बॉगिंस हाइट्स लुक, हाँ तो वांडा का जो घर था बॉगिंस हाइट में, हाँ वो कैसा दिखता था? ऑप्शन ए सेबी बट क्लीन, ऑप्शन बी बिग एंड डर्टी, ऑप्शन सी ब्यूटीफुल, ऑप्शन डी अट्रैक्टिव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सेबी बट क्लीन, टूटा फूटा था लेकिन साफ सुथरा था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रास अलोंग द पाथवे टू वांडास हाउस लुक्ड लाइक, हाँ तो वांडा के घर जाते हुए जो रास्ते में जो ग्रास मिल रहे थे वो कैसे प्रतीत हो रहे थे? ऑप्शन ए पपीस, ऑप्शन बी स्नैक्स, ऑप्शन सी कीटेंस, ऑप्शन डी मंकीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कीटेंस के समान प्रतीत हो रहे थे। कीटेन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा, तो कीटेंस के समान है सो घास प्रतीत हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडाज होस वास, हाँ तो वांडा का जो घर था वो कहाँ पे सिचुएटेड था? ऑप्शन ए ऑन ए क्लिफ, ऑप्शन बी ऑन टॉप ऑफ ए हिल, ऑप्शन सी बाय द रिवर, ऑप्शन डी इन द फॉरेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, मीन्स पहाड़ के ऊपर वांडा का घर था। हाँ बॉगिंस हाइट नाम का पहाड़ी था, हाँ उसी पहाड़ के ऊपर है सो वांडा का घर सिचुएटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज यूज्ड टू डेकोरेट द क्लासरूम ऑन क्रिसमस, तो क्रिसमस के दिन क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए क्या चीज़ें यूज किया जा रहा था? ऑप्शन ए बेल्स, ऑप्शन बी ट्री, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ, हाँ बेल्स एंड ट्री दोनों चीज़ें यूज किए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पेगीज ड्रॉइंग, हाँ तो पेगी को जो ड्रॉइंग दिया गया था तो उस ड्रॉइंग में ड्रेस का कलर क्या था? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी व्हाइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन कलर का ड्रेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन मेडीज ड्रॉइंग, हाँ तो मेडी को जो ड्रॉइंग दिया गया था तो उस ड्रॉइंग में ड्रेस का कलर क्या था? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी व्हाइट, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी ब्लू। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लू कलर का ड्रेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रियली ट्रबल्ड ओवर वांडाज इंसिडेंट, हाँ तो वांडा के साथ जो इंसिडेंट हुआ, वांडा के साथ जैसा बर्ताव हुआ, हाँ उसे लेकर कौन सबसे ज़्यादा परेशान थी? ऑप्शन ए पेगी, ऑप्शन बी मेडी, ऑप्शन सी मिस मेसन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मेडी, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो गाइज इस प्रकार से हम लोगों ने द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे उसे देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय।